हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय चैनल फूड एंड ट्रैवल ट्रॉटर्स। तो रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में हम आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे तंदूरी चिकन स्प्रिंग रोल। तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट आपको इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पर जो तंदूरी चिकन बनाएंगे उसके मैरिनेट सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है मैंने यहाँ पर, इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स करके, बस क्योंकि हम इसको स्प्रिंग रोल में फिलिंग करने वाले हैं इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े क्यूब बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टेबलस्पून दही, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, तंदूरी मसाला एक टेबलस्पून और ज़ीरा पाउडर एक टीस्पून। हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि हम फिलिंग में और भी ज़्यादा मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए हम तंदूरी के बस बेसिक सा तंदूरी मैरिनेशन देंगे और यहाँ पे है तंदूरी रेड कलर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चिकन को मैरिनेट करना। ये सारी जो इंग्रेडिएंट्स है हम वन बाय वन। अब इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको फ़ौरन से कुकिंग करनी है, तो 15 से 20 मिनट भी इसके लिए काफ़ी है। अब हम इसको छोड़ देंगे अराउंड 1 घंटे के लिए। तो हमने तंदूरी चिकन को जो मैरिनेट किया था उसको ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है। अब हम इस चिकन को ग्रिल करेंगे। ग्रिल पैन हमने गरम किया है, बहुत ही थोड़ा ऑयल डालेंगे क्योंकि ये नॉन स्टिक है तो इसको बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे और हमारे तंदूरी चिकन के जो पीसेस थे हम इस पर डाल देंगे। तो चिकन हमने इस पर अच्छी तरीके से फैला दी है पूरी और एक कुक होना भी शुरू हो गई है। अब हम बीच बीच में इसमें थोड़े से बटर के पीसेस डालेंगे। सॉल्टेड वाला बटर यूज़ करना है हमको ताकि इसको थोड़ा सा बटरी फ्लेवर भी मिले। अब हम इसको एक तरफ से 2-3 मिनटों के लिए कुक करेंगे और फिर इसे टर्न करके 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको अलग रख देंगे। अब हम बनाएंगे हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे इस तंदूरी स्प्रिंग रोल की फिलिंग। हमने पैन गरम कर लिया है, इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। नॉनस्टिक पैन हम यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेल ना डालें, क्योंकि अगर हम तेल ज़्यादा डालेंगे तो वो जो है स्प्रिंग रोल की शीट्स में तेल ऊपर आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे हमारा ज़ीरा, इसको मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे हमारा प्याज, प्याज को जीरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम प्याज को 3 से 4 मिनटों के लिए कुक करेंगे। हमको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है लेकिन कच्चा भी नहीं रखना है। तो 3 से 4 मिनट प्याज को हम कुक करेंगे, कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बीच बीच में मिक्स करते रहें और प्याज को कुक करें। अब हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो टमाटर भी थोड़ा कुक हो चुका है। अब हम इस तरह से क्रम्बल करके इसमें डालेंगे हमारा चिकन स्टॉक और उसके साथ साथ डालेंगे चिली सॉस और अब हम डालेंगे हमारा तंदूरी मसाला और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो रहा है तो 1/2 टीस्पून के करीब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। वैसे तो चिली सॉस उसको जो है थोड़ा मॉइस्चर दे देगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की। अगर आप नॉर्मल बर्तन यूज़ कर रहे हैं, नॉन स्टिक का नहीं यूज़ कर रहे तो शायद आपको 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून तक के पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा आप देख रहे हैं इधर,
इसमें मॉइस्चर आ चुका है। अब हम मसाले को कुक होने देंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे पहले हम इसमें डालेंगे हमारा स्प्रिंग अनियन और इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी हमने मसाले अभी ही डाले हैं, इसीलिए इसको अब हम कवर करेंगे और बस 2 मिनटों के लिए कुक करेंगे। तो हमने इसको 2 से 3 मिनटों के लिए कुक किया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा कैप्सिकम और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए मसाला बिल्कुल भी नीचे चिपका नहीं है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए हमारा मसाला। अब हमने इसमें कैप्सिकम डाल दिया है, अब डालेंगे हम हमारा ब्लैक पेपर पाउडर, अच्छी तरीके से फिर से मिक्स करेंगे और कवर करके 1 से 2 मिनटों के लिए और कुक करेंगे ताकि हमारे जो कैप्सिकम है पूरी तरीके से पक जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं, कैप्सिकम थोड़ा सा कुक हो चुका है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमको, क्योंकि अभी हम चिकन डाल के भी इसको पकाएंगे और जब स्प्रिंग रोल फ्राई करेंगे उस वक्त भी थोड़ी सी कुकिंग का प्रोसेस हो जाता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हमारा तंदूरी चिकन जो हमने बनाया था और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तंदूरी चिकन बनाते वक्त हमने कलर यूज़ किया था, अगर आपको रेड कलर चाहिए बाजार जैसा तंदूरी कलर, तो आप इस स्टेज पर इसमें लिक्विड कलर है रेड वो डाल सकते हैं, या तो फिर कुछ ड्रॉप पानी में आपके पास अगर पाउडर्ड कलर है तो वो मिक्स करके डाल सकते हैं। तो चिकन अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम चिकन को पूरे मसालों के फ्लेवर्स देने हैं हमें, इसलिए अब इसको कवर करके 2 से 3 मिनटों के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी कुक्ड है, कवर करके कुक करेंगे 2 से 3 मिनटों के लिए। तो बिल्कुल ही अच्छे से कुक हो चुका है हमारा चिकन, पूरा मसाला अच्छे से रेडी है, काफ़ी अच्छा कलर भी आ चुका है इसको। अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। देखिए बहुत ही खुशबूदार और प्यारा कलर आया है इसका, धनिया मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको, क्योंकि ये तंदूरी है इसीलिए कोल का स्मोक देंगे। तो हमने इसमें से कोल का पीस निकाल लिया है, अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेंगे और फिर इससे स्प्रिंग रोल फिल करेंगे। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हमारी तंदूरी चिकन फिलिंग जो है पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है रूम टेम्परेचर पे। अब हम आपको बताएंगे कि इसे हमको स्प्रिंग रोल कैसे फिल करने हैं। यहाँ हमने एक लीफ लिया, इसको यहाँ पर प्लेस किया है प्लेट पर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑमलेट हमको बनाना है 2 अंडों से, उसके बाद ऑमलेट के इस तरह से पीसेस हमने काट लिए हैं। यहाँ पे हम ऑमलेट का पीस प्लेस करेंगे, 1 स्पून हम यहाँ पे फिलिंग डालेंगे, सो बिल्कुल अच्छे से फिलिंग को एडजस्ट करेंगे ऑमलेट के पीस के ऊपर। अब जो आटे का पेस्ट है, सिर्फ गेहूं के आटे में पानी मिलाया हुआ है, इस तरीके से लगाएंगे हम साइड्स पे। अब यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, प्रेस करेंगे जेंटली, यहाँ पे थोड़ी और पेस्ट लगाएंगे हम आटे का। अब स्प्रिंग रोल को फोल्ड करेंगे, राउंड पे लाएंगे और यहाँ तक आके हम रुक जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और पेस्ट लगाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो हमारा तैयार है चिकन तंदूरी स्प्रिंग रोल। सो हमारा पहला रोल तैयार है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ का स्लाइस हमने लिया है, एक चीज़ स्लाइस को काट देंगे हम, एक चीज़ स्लाइस के 3 पीसेस करेंगे इस तरीके से।
हमने इंग्रेडिएंट्स बताते वक्त इसको एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि ये ऑप्शनल है। अगर आप चिकन तंदूरी चीज़ स्प्रिंग रोल बनाना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, हम आपको बता देते हैं आपको क्या करना है। बिल्कुल पहले की तरह हमने यहाँ पे लीफ को पेस्ट किया है, इसके ऊपर हम डालेंगे ऑमलेट का एक स्ट्रिप, लॉन्ग स्ट्रिप, इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़ का स्लाइस ऑमलेट के ऊपर। अब हम डालेंगे हमारी चिकन की फिलिंग, चिकन की फिलिंग को एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा चीज़ का दूसरा स्लाइस, इसके ऊपर फिलिंग को पूरी तरीके से एडजस्ट करेंगे, पेस्ट लगाएंगे हम। बाकी हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा रोल फिल करने का, बस एडिशन ये है कि यहाँ हमने चीज़ ऐड कर दी है। इसको एडजस्ट करके प्रेस करना है, यहाँ पे फिर से पेस्ट लगाना है, यहाँ से इसको हमको फोल्ड करना है इस तरीके से, और बिल्कुल पहले की तरह रोल करना है। अब यहाँ से इसको मिलाना है। तो तैयार है हमारा चिकन तंदूरी चीज स्प्रिंग रोल। तो इसी तरीके से आप आपके चॉइस के हिसाब से विद चीज़ या विदाउट चीज़ फिल कर सकते हैं कोई। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार है हमारे चिकन तंदूरी स्प्रिंग रोल। एंजॉय कीजिए आप इसको चटनी के साथ। सर्व करने के पहले इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम चाट मसाला पाउडर। तो एंजॉय कीजिए कटी प्याज और चटनी के साथ।